चलो गाइस अब करते हैं इस कुएं की धुलाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले गाइस मिस्टर इंडियन हैकर का एक न्यू वीडियो, जिसमें लोग गाइस कुछ क्लीन कर रहे थे एरिया वगैरह, पानी वानी वगैरह टाइप का, ठीक है, पॉलिथीन वगैरह इकट्ठा करके, मतलब उससे पानी साफ कर रहे थे, ठीक है, वही वाला वीडियो देखने वाले। फिलहाल इस वीडियो को क्रेडिट आता है मिस्टर इंडियन हैकर को, फुल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स प्ले, देखते हैं गाइस वो क्या कर रहा था, ठीक है, क्या करने वाले क्लीनिंग के लिए। सो लेट्स प्ले गाइस। यार अब जो मैं कह रहा हूँ उस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। ये है हमारा खूबसूरत सा गांव, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है और वो समस्या है पानी की। गाइस यहाँ पे पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है और गर्मियां आते आते तो भैया हमारे गांव की हालत ये हो जाती है कि मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए पीने का पानी नहीं होता। इवन इंसानों को भी पानी की बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इवन यहाँ पे टैंकर्स आते हैं गाइस, जिससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनों के अंदर लग के पीने का पानी लिया जाता है। लेकिन गाइस यार मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन की मदद से मैं यहाँ के आसपास के लोगों के लिए पीने की पानी की समस्या का हल निकाल सकता हूँ। तो गाइस यार ये कुआ है उस समस्या का हल। ये तो गंदा है, गंदा हो रहा है। हाँ मुझे पता है ये गंदा है। जी हाँ गाइस, ये जो कुआ है अभी ये बहुत ज्यादा गंदा है। आप देख सकते हैं कि उसके अंदर दो कबूतर भी मरे हुए हैं, साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी झाड़ियां भी उग गई है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस कुएं के अंदर इतना पानी है कि भाई ये आसपास के सभी लोगों की प्यास बुझा सकता है। लेकिन आज के टाइम के अंदर किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, किसी के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो खुद से आए और इस कुएं की सफाई करे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कुएं की सफाई। लेकिन अपने तो अब यार हर काम में रिस्क होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं, अभी तो अब तुम सोचो ना यार, अगर हमारे थोड़ी सी रिस्क लेने से किसी की प्यास बुझ सकती है तो हम रिस्क क्यों ना ले। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस कुएं की सफाई। पड़ेंगे बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक बिल्कुल नया और यूनिक प्रोजेक्ट है। पहले झाड़ी साफ कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार सबसे पहले क्या करते हैं, इस कुएं की जितनी भी झाड़ियां हैं इसे साफ करते हैं और उसके बाद में अगला कुछ सोचेंगे। तैयार हो? तैयार। चलो शुरू करते हैं झाड़ियों की सफाई। ओके। ऑलराइट गाइस, लगभग आधी से ज्यादा सफाई हो चुकी है। पहले कैसा था? अच्छा। और अब कुएं को देखो गाइस, पूरा साफ हो गया है। अब क्या करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं कुएं को साफ करने के लिए। ओए मोटर चलाओ और चारों तरफ पानी से गाइस इसकी धुलाई कर देते हैं, यहाँ से भी और चारों तरफ से भी, जो बचा कुचा गंदगी है वो भी जो है धुल जाएगी। मोटर चलाओ। चलो गाइस अब करते हैं इस कुएं की धुलाई। कुएं की धुलाई हो रही है, धुलाई होने के बाद अंदर से भी करना पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की और भारी काम है। कितना साफ दिख रहा है। गाइस यार अब है सबसे मुश्किल काम, क्योंकि अब हमें जो है ठेठ नीचे पानी के पास पैंदे में जाना होगा और ये सच में बहुत ज्यादा रिस्की काम है, क्योंकि हमें इस चीज का जरा सा भी एक्सपीरियंस इससे पहले नहीं है। तो ऊपर से कुछ जुगाड़ लगाते हैं भाई, कुछ जुगाड़ बना के नीचे भेजो और उसके बाद में इस सारे कचरे को बाहर निकालते हैं। मेरे तो अभी भी आता पानी की सफाई हो चुकी है। देखो गाइस यार ये कैमरामैन को इनके पानी उठा लगे, इसका डर खोलते हैं। ले भाई कैमरा ले, तो दे राजा। दो बिचमा आजा दम लगा, जोर लगा, आजा बिचमा, वो तो आजा। एक बटन दबा। अरे डाल जा रही भाई, ए जा
यही से कूदेगा। गजब भाई साहब। गाइस अब आप देख सकते हैं कि जो कुएं की हालत है वो कैसी है। हमें ये सारा गंदा पानी बाहर निकालना है, ये जो मलबा आप देख रहे हैं ये सारा बाहर निकालना है। उसके बाद में जो है इसकी धुलाई करके इसको फिर से अच्छे से करेंगे। बाकी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। देखो कुएं के अंदर जो पानी है ना वो कुछ इस तरीके से आता है गाइस, ये देखो। तो यहाँ पे जो है टीम सफाई का काम कर रही है। और ये देखो गाइस पानी जो है कितना साफ आ रहा है, जो कुदरती पानी आता है ना गाइस वो इतना साफ रहता है। ये देखो गाइस ये वाला पानी इतना साफ है कि इसको फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है। ये इतनी मोटी मोटी चट्टानों के अंदर से जो है फिल्टर होकर आ रही है। देखो ये पानी कितना साफ है, ये देखो। और ये कुएं का पानी देखो, ये रहा और ये नॉर्मल साफ पानी, ये देखो। गाइस फाइनली हमने हमारे कुएं की सफाई कर दी है। अब जो कुआं और जो जगह पहले कुछ ऐसी दिखाई देती थी अभी तो गंदा है प्रॉपर। बहुत बड़ा है भाई कुआं तो। अब वो कुछ इस तरीके से नया पानी भर रहा है क्या? बढ़िया पेड़ लगाया यार। ओके ये पेड़ लगाए हुए बढ़िया दिख रहा है भाई साहब, पता ही क्या रहा। बढ़िया था भाई, उन्होंने बढ़िया काम किया यार। एक तो कुआं साफ कर दिया, बाहर पानी भी भर दिया, पेड़ भी लगा दिया कुछ यार। ओपी मेरे को बढ़िया लगा फिलहाल गाइस इनका प्रोजेक्ट ये वाला एकदम ओपी। लाइक तो बनता है, ठीक है। बाय बाय गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये काम नीचे कमेंट करना। एंड क्रेडिट बाय मिस्टर इंडियन हैकर। तो मिलते हैं कैसे अगले वीडियो में, तो अगले बाय बाय।